मैं करण 35 साल का तन्हा काउबॉय टेक्सास में एक छोटे शहर में रहता था। मेरी पत्नी मुझे छोड़ गई थी, मेरे 2 बच्चे थे। तन्हाई मुझे सही नहीं गई, इसलिए एक दोस्त के सुझाव से मैंने पर्सनल ऐड दिया ताकि ऑनलाइन किसी लड़की को ढूंढ सकूं। मेरी आंखें तब फटी की फटी रह गई जब एक खूबसूरत नर्स रेबेका ने मेरा जवाब दिया और हमारे बीच में चैटिंग शुरू हो गई। मेरी 3 साल की बेटी अनाया को डाउन सिंड्रोम था, इसलिए मैं दोनों बच्चों को लेकर डेलस में आया था। अस्पताल में मेरी बेटी का चेकअप करवा रहा था, बीच बीच में रेबेका के साथ ईमेल में चैटिंग कर रहा था। मैंने उससे कहा, अगर तुम चाहो तो मुझे फेसबुक में ऐड कर सकती हो, मैं बार बार मेल चेक कर रहा हूँ। मैं नर्स का इंतजार कर रहा था कि तभी ईमेल का नोटिफिकेशन आया। जब मैं खोला तो लिखा हुआ था, रेबेका ने तुम्हें फेसबुक में ऐड कर दिया है। मैं मुस्कुराता हुआ फेसबुक खोला और फिर उसे देखा। उसने मेरा रिक्वेस्ट मान लिया था। उसका टाइमलाइन चेक करने लगा। मुझे वह अच्छी लड़की लगी। मैं जल्दी से मैसेज टाइप किया, मैं, हे रेबेका, तुमसे मिलकर खुशी हुई। रेबेका, मुझे भी, क्या डॉक्टर आए? मैं, हाँ, वह यहाँ आए, रिपोर्ट अच्छी नहीं है। रेबेका, ओह, सुनकर दुख हुआ, लेकिन वह बहुत प्यारी है। मैं, थैंक्स। मैं रेबेका को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में ब्रेकअप की वजह पूछी थी तो उसने मुझे मैसेज किया। रेबेका, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे सवाल को अनदेखा नहीं कर रही, पर यह आसान है जब हम यहाँ पर मैसेज में बात कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ अगर तुम जवाब ना देना चाहो तो। रेबेका, अगर मैं तुम्हें मेरे बारे में बताऊं तो क्या तुम अपने बारे में बताओगे? मैं, यह तो कुछ ऐसी बात हो गई कि मैं तुम्हें अपना दिखाऊं और तुम मुझे अपना दिखाओ, पर मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें जानना चाहता हूं। रेबेका, ठीक है। उसका नाम मार्टिन था। हम दोनों एक दूसरे के साथ 2 साल तक डेट किए। एक दिन मैं काम से जल्दी घर वापस आ गई। सोचा था उसके काम पर जाकर उसे सरप्राइज करूंगी, पर मेरे बेडरूम से आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा मेरी बिल्ली होगी। जब मैं वहां जाकर देखी तो मार्टिन मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ बिस्तर में था। उसकी यह बात सुनकर मैं गुस्से में आ गया। कोई कैसे रेबेका जैसी प्यारी लड़की को यूं धोखा दे सकता है? मैं अभी कह सकता हूँ कि वह सबसे अलग है। मैं उसे जवाब देने ही जा रहा था कि तभी नर्स आ गई। मैं सुनने लगा और उसने जो सामान दिया वह सब गाड़ी में लोड करने जा रहा था। देखा, एक और मैसेज आया, रेबेका, करण, करण, सॉरी हनी, नर्स मुझे अनाया के बारे में इंस्ट्रक्शन दे रही थी। मार्टिन बिल्कुल बेकार लगता है। फिर तुमने क्या किया? रेबेका, कोई बात नहीं, उन लोगों ने नहीं सुना था कि मैं अंदर गई थी, इसलिए मैं फ्रिज का ठंडा पानी उठाकर उनके ऊपर दे मारा और उसके बाद उन लोगों से रिश्ता तोड़ लिया। मैं, वह इसी लायक थे क्या? फिर उसके बाद तुमने उनसे सुना? रेबेका, उसके बाद उन लोगों ने बहुत सारे कॉल किए। पता चला कि मार्टिन उसके साथ 6 महीने से था और वह लोग यह सब काम करने के लिए मेरा अपार्टमेंट यूज करते थे। मैं, क्या तुमने जवाब दिया वह कॉल करते थे? मैं, कभी नहीं, मैं तो अपना फोन नंबर भी बदल लिया जो अब उनके पास नहीं है। मैं, अगर उन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता तुम मेरा ईमेल का जवाब देती। रेबेका, हाँ सही कह रहे हो, लेकिन मुझे खुशी हुई कि मैं तुम्हारे ईमेल का जवाब दिया। अब तुम्हारी बारी है। मैं, मेरी एक्स वाइफ पत्नी और माँ बनकर नहीं रहना चाहती थी। यह तब हुआ जब वह अनाया के साथ प्रेग्नेंट थी। पहले बच्चे के बाद सब ठीक था, पर दूसरी प्रेगनेंसी में वह बच्चे को गिरा देना चाहती थी, जिससे हमारे बीच में काफी बहस हुई। मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि उसका शहर के कुछ लड़कों के साथ चक्कर था। जब मैं 28 साल का था और वह 25 की थी, हमने शादी की थी। जब अनाया 1 महीने की थी, मैं घर पर आकर देखा तो वह नहीं थी। एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा हुआ था, बच्चे माँ के पास है और वह वापस नहीं आएगी। कैलिफोर्निया के किसी सर्फर के साथ मिली थी और उसके साथ भाग गई। 2 दिन बाद मैं डिवोर्स फाइल किया और बच्चों का क्लेम भी ले लिया। बिना किसी विरोध के वह दस्तखत कर दी। उसमें लिखा हुआ था कि वह बच्चों को दोबारा कभी कांटेक्ट नहीं करेगी। खुशी खुशी साइन करके अपने अधिकार को उसने छोड़ दिया। उसने फिर ऐसा बताया कि उसे खुशी हुई कि मुझे और इन पिल्लों से छुटकारा मिला। रेबेका, ओ माई गॉड, तुम्हारी बात सुनकर मुझे सदमा पहुंचा। यह कैसी औरत है जो बच्चों से छुटकारा पाना चाहती थी? अच्छा हुआ तुमने उसे छोड़ दिया। मैं, हाँ सही कहा, पर मैं तुम्हारी तरह उसके ऊपर ठंडा पानी नहीं डाल पाया। खैर, तुम यहाँ कब मूव कर रही हो? रेबेका, अभी भी कुछ ठीक नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मैं वहाँ 2 हफ्ते के अंदर आऊँगी और मेरी माँ और बहन से मिलूँगी। फिर रहने के लिए कोई अलग जगह का इंतजाम करना होगा और काम भी। मैं, वह लोग किस शहर में रहते हैं? रेबेका, ब्रुकिनबो। मैं, अच्छा, वह शहर तो मेरे घर से 1.5 घंटे की दूरी पर है। रेबेका, वाओ। मैं, हो सकता है तुम जब यहाँ आओ हम मिले। रेबेका, हाँ हो सकता है, मुझे अच्छा लगेगा।
बाकी पूरी दोपहर मैं और रिबिका आपस में मैसेज करते रहे। हर एक छोटी बड़ी चीज के बारे में बातें कर रहे थे, जो भी हम सोच सकते थे। मैं जानता था कि जब मैं ड्राइव करूंगा तो मैं उससे चैट नहीं कर पाऊंगा, और मैं स्वीकार करता हूं मैं उसे बहुत मिस करूंगा। यह बहुत ही दयालु, मजेदार और प्यारी है, जिससे आसानी से बात किया जा सकता है। साथ इस बात से मैं खुश था कि मेरा फोरमैन गौरव और उसकी बहन कनिका ने मुझे ऐड देने का सुझाव रखा था। मैं अपना आखिरी अपॉइंटमेंट खत्म करके अपनी बेटी का आखिरी मशीन लेने जा रहा था। सांस छोड़कर अपने फोन में देखा, वह अपने ऑफिस का कोई कहानी सुना रही थी, और मैं हंसने लगा। मैं, तुम बहुत मजेदार हो रेबिका, पर मुझे दुख है कि जब मैं ड्राइव करूंगा तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा। रेबिका, तुम्हें कब निकलना होगा और कितना लंबा समय लगेगा? मैं, वह लोग अभी मशीन लेकर आ रहे हैं, जैसे ही मुझे समझा देंगे 2 से 2.5 घंटे लगेंगे मुझे घर पहुंचने में। रेबिका, यह तो काफी लंबा समय है, मुझे यकीन नहीं आ रहा हम सारे दिन बात करते रहे। मैं, हाँ मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, और इस ट्रैफिक के साथ मुझे यकीन है 2.5 घंटे लग जाएंगे। मुझे सच में टेक्सास पसंद है, पर सिटी में ड्राइव करना मुझे जरा भी पसंद नहीं। रेबिका, अच्छा समझी, फिर तो मुझे छोटे बच्चों के अस्पताल देखना होगा, क्योंकि मुझे ड्राइव करना जरा भी पसंद नहीं। मैं, तुम्हें पता है ओहमा के बाहर एक अस्पताल है जो कि बहुत छोटा सा है, वहाँ बच्चों का वार्ड है, और यह तुम्हारे घर से काफी पास रहेगा डेलस के मुकाबले। रेबिका, और तुमसे LOL। मैं, हाँ मुझसे भी। रेबिका, करण मैं उसमें भी देखूंगी, शायद मेरे लिए कुछ ऑप्शन हो। मैं, अब मुझे जाना होगा। रेबिका, अगर तुम बोर हो जाओ तो मुझे कॉल कर सकते हो। मैं, एक बार शहर से निकल जाऊं और फिर बच्चे सो जाएं। कहानी रेबिका की जुबानी। मेरे चेहरे पर भारी सी मुस्कान आ गई और मैंने उसे अपना नंबर भेज दिया। मैं उससे जल्दी सुनना चाहती थी। जल्दी से मैंने अपनी बहन को कॉल किया। जैसे उसने जवाब दिया मैंने कहा, वह कमाल का है। एलिस हंसने लगी, कहा, सच में तुमने कितना बात किया ईमेल से उससे? चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। मैंने कहा, मेरे फेसबुक में जाओ और करण विल्सन को ढूंढो। बीच में चुप्पी थी, उसके बाद एलिस हंसने लगी, यह काफी हॉट है बहन, क्या इसके बच्चे हैं? मैं हंसने लगी, कहा, हाँ 2 बच्चे हैं, 5 साल और दूसरा 2 साल का, और उसकी माँ उनकी जिंदगी में जरा भी नहीं है। वो काफी मीठा और मजेदार है, और सबसे अजीब बात पता है क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे हमेशा से जानती हूँ। उससे बात करना बहुत आसान है, और वह बहुत एक्साइटेड है। जब सुना कि मैं उससे मिलने आ रही हूँ, वह मुझसे मिलना चाहता है, और 2 हफ्ते के बाद वहाँ आऊंगी। वह एक छोटे से शहर में रहता है, टेक्सास के ओहमा। उसने कहा, तुम्हारे शहर ब्रोकन बो से वह जगह 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर है। एलिस मुस्कुराती हुई कही, बहन थोड़ा धीरे धीरे बोलो, तुम 2 हफ्तों में आ रही हो, क्या तुमने फ्लाइट की टिकट बुक की है या तुम ड्राइव करके आओगी? मैं हंसने लगी, कहा, मैं फ्लाई करके आऊंगी 2 हफ्ते में, 1 कार रेंट लेकर तुम्हारे पास ड्राइव करके आऊंगी। मेरा 2 हफ्ता छुट्टी है, तो हमारे पास बहुत टाइम रहेगा हैंग आउट करने के लिए, और मैं करण से मिलने के लिए भी बहुत उत्साहित हूँ। मैं करीब 30 मिनट अपनी बहन के साथ फोन में बात किया, फिर इससे पहले कि मेरे फोन में आवाज़ आती, जब देखी तो एक अपरिचित नंबर था। बहन, मुझे जाना होगा, करण कॉल कर रहा है। मैं उसे कॉल को पिक किया, कहा, हेलो। एक गहरी साउथ की आवाज़ मेरे कानों में आई, रेबिका। मैं मुस्कुराने लगी, कही, हाँ यह मैं हूँ करण। वह मुंह दबाकर हंसा और कहा, ओह तो यह मेरी डार्लिंग है, बच्चे आखिरकार सो गए, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। तुम बिजी तो नहीं हो? हो क्या? मैं मुस्कुराकर कही, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम देख सकते हो मैं एक काउबॉय से सारा दिन बात कर रही हूँ, और आज छुट्टी लेकर काफी अच्छा लग रहा है। वह हंसने लगा, कहा, मुझे अच्छा लगा, जितनी टेक्स्ट मैसेज में तुम मजेदार हो उतनी बातचीत में भी। मैं पूछी, ड्राइव कितना लंबा चलने वाला है? वह हंसकर कहा, बहुत लंबा। और बाकी का अपॉइंटमेंट कैसा गया? मैंने पूछा। उसने कहा, अच्छा नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट चिंता में थे, क्या कह रहे थे कि खून मिक्स हो रहा है, और दिन में 4 बार उसका O2 लेवल चेक करना है, 1 बार तो जब वह सोएगी तब, और सारे जनरल में नोट करने हैं, अगले हफ्ते उन्हें बताना होगा। मैं उसके हार्ट का कंडीशन के बारे में पूछी और वह बताने लगा। आखिरकार खुश होकर मैंने कहा, 5 मई मेरा आखिरी काम करने का दिन है, और 6 मई को मैं फ्लाइट में चढ़ने वाली हूँ, और इस शुक्रवार मैं डेलस में उतरूंगी करीब सुबह के 10 बजे, और वहां से कार रेंट लेकर मैं 3 घंटे की लंबी ड्राइव करके ब्रोकन बो जाऊंगी। तो वहां पर मैं 6 से लेकर 20 तारीख तक रुकने वाली हूं। 20 तारीख को शाम को मैं फ्लाई करके वापस आ जाऊंगी। उम्मीद करती हूं कि हम कुछ समय आपस में मिल सकेंगे। मैं मुस्कुराकर कही, क्या तुम भी ऐसा कुछ चाहते हो? हमारा समय अच्छा बीत रहा है,
कहानी करण की जुबानी। अनिच्छा सहित मुझे फोन रखना पड़ा। जब मैं वहां पहुंच गया, मैं खेतों में जाकर पशुओं को देखने लगा, फिर गौरव के साथ आखिरकार घर वापस आया, कॉफी पीने लगा। जब गौरव देख नहीं रहा था, मैं फोन उठाकर रेबेका को फिर से मैसेज किया, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ तुमसे बात करना, तुम खूबसूरत हसीना। रेबेका, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने फोरमैन से सारी जानकारी ले रहा हूँ, उसकी बहन कनिका दिन में बच्चों का ख्याल रखती है। और तुम क्या कर रही हो? रेबेका, मैं पैकिंग कर रही हूँ, मेरे पास कल तक का वक्त है, तो मैं सब कुछ पैक कर लूँगी जो सामान मुझे वहाँ ले जाना होगा। मैं, क्या तुम एक्साइटेड हो कि तुम न्यूयॉर्क से टेक्सास बदली होकर आ रही हो? रेबेका, एक्साइटेड हूँ, लेकिन पहले मैं अपनी ट्रिप को लेकर एक्साइटेड हूँ। मैं और रेबेका, तुमसे मिलने के लिए। मैं, बहुत अच्छा, मैं यही उम्मीद कर रहा था कि तुम यही कहोगी। रेबेका, मुझे अच्छा लगा कि तुम ऐसा नहीं सोच रहे कि मैं बहुत आधुनिक लड़की हूँ। मैं, रेबेका, सच में मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। रेबेका, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि यह काम करे, मैं सच में तुमसे बात करना पसंद करती हूँ। मैं, हाँ, ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे को हमेशा से जानते हैं। रेबेका, बिल्कुल सही कहा। मैं, मेरा फोरमैन गौरव मेरी और सवाल की दृष्टि से देख रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या सवाल पूछ रहा है। रेबेका, तो अब से तुम्हें काम में ध्यान लगाने में मुश्किल हो रही है? मैं, हाँ, सही कह रही हो, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। रेबेका, हाँ, जरूर अच्छा रहेगा अगर तुम वीडियो चैट करो तो। मैं, यह तो बहुत अच्छा रहेगा, चलो बाद में मिलता हूँ। रेबेका, ठीक है, चलो बाय। गौरव ने कहा, तुम्हारे साथ क्या गलत है? करण, तुम किसे मैसेज कर रहे हो और यूं बेवकूफों की तरह क्यों हंस रहे हो? मैं सर हिलाता हुआ फोन नीचे रखा, कहा, तुम्हें याद है ना, तुमने सुझाव रखा था कि मैं पर्सनल ऐड दूं। गौरव ने सर हिलाया, मैं जारी रखा, कल रात मैं एक ऐड पोस्ट किया और तुम्हें बता दूं 40 जवाब आए, पर मैं बस उनमें से एक का ही जवाब दिया। उसका नाम रेबेका है और वह शिफ्ट हो रही है न्यूयॉर्क से टेक्सास में। इसी चक्कर में उसने मेरा ऐड देखा जब वह इस एरिया में घर देख रही थी किराए के लिए। उसने स्वीकार किया, इससे पहले कोई ऐड का उसने जवाब नहीं दिया था, पर मेरे ऐड ने उसका ध्यान खींचा और मैं कह सकता हूँ वह काफ़ी मीठी और मज़ेदार है और बच्चों को पसंद करती है। नर्स है जो कि पेडियाट्रिक की स्पेशलिस्ट की है। वह उन बच्चों के साथ काम करती है जिसको स्पेशल ज़रूरत होती है, अनाया जैसी बच्ची, और सच में बेहद खूबसूरत है। कुछ घंटे हमने आपस में ईमेल किया और उसके बाद हमने फेसबुक पर बात करने लगे। सच कहूँ तो बातचीत करने का टॉपिक कभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हें पता है ना, कभी कभी हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जैसे लगता है कि उसे बरसों से जानते हैं, जैसे कि मैं महसूस कर रहा हूँ। जब अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही थी कैसे उसने उसे चोट पहुँचाई, मुझे लगा उसके बॉयफ्रेंड को मैं चोट पहुँचाऊँ। मुझे इस बात से नफरत थी कि मैं जब ड्राइव करूँगा उससे बात नहीं कर पाऊँगा, तो उसने मुझे अपना नंबर दे दिया था और घर के पूरे रास्ते हमने आपस में बात किया। गौरव बिल्कुल शॉक्ड हो गया, यार तुम तो इतनी देर तक कभी किसी के साथ बात नहीं करते, क्या तुम्हारे पास उसकी तस्वीर है, क्या मैं देख सकता हूँ? मैंने उसकी तस्वीर उसे दिखाई। गौरव ने कहा, तुम सही कह रहे हो, यह बहुत खूबसूरत है और पक्का नर्स है जो बच्चों के साथ काम करती है, तो वह टेक्सास में कब आ रही है? मैंने कहा, वह श्योर नहीं है, उसे रहने के लिए घर ढूंढना पड़ेगा और काम करने के लिए एक हॉस्पिटल। वह 6 मई को आ रही है अपने परिवार के साथ मिलने के लिए जो ब्रोकन बो में रहते हैं, और हम मिलने की योजना बना रहे हैं, 2 हफ्ते में आएगी। और मुझे पता है उसकी बहन माँ और बहन की बेटी यहाँ पर रहती है, मैं सच में इंतज़ार नहीं कर सकता कब वह आएगी, कब उससे मिलूंगा। हम आज रात वीडियो चैट करने वाले हैं। गौरव मुस्कुराने लगा, कहा, मुझे जानकर खुशी हुई कि तुम खुश हो, पर क्या वह बच्चों के साथ सही रहेगी और क्या तुमने उसे सारा के बारे में बताया? मैंने बताया, हाँ, वह बच्चों को लेकर काफी उत्साहित है, उसे अनाया के अपॉइंटमेंट के बारे में बताया और सारा के बारे में भी। गौरव उसके बारे में और पूछने लगा कि वह लड़की कोई नकली लड़की ना निकले। मैं उसे उसकी फेसबुक की पेज दिखाया और वह लड़की बिल्कुल असली थी। गौरव ने कहा, हाँ बिल्कुल सब सही लग रहा है, तो तुम उसके साथ वीडियो चैट करने वाले हो? वह अभी ऑनलाइन है। मैं हंसने लगा, कहा, मैं बाद में वीडियो चैट करूंगा। गौरव ने कहा, नहीं अभी करो, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो मैं रेबेका को मैसेज करने लगा, मेरा दोस्त है, चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ वीडियो चैट करूं, वह देखना चाहता है कि तुम सच में मौजूद हो या नहीं। रेबेका,
मैं सचमुच मौजूद हूँ, पर मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए चिंतित है, तो मैं उसे यह साबित करूँगी। मैंने बताया यह लड़की बहुत मजाकिया है। मैंने वीडियो कॉल का बटन दबाया जब तक वह स्क्रीन में नजर नहीं आई। वह अपनी तस्वीरों से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। देखो करण के दोस्त, मैं सचमुच मौजूद हूँ। गौरव स्क्रीन के सामने झुक गया। कहा खुशी हुई कि तुम कोई बूढ़ा सा आदमी नहीं हो, जिससे रेबिका कही क्या बेकार की बात है। मैं तुरंत कहा, क्या तुम पैकिंग कर रही हो? पहले तुमने कहा था ना कर रही हो। वह अपना कंप्यूटर घुमाकर बॉक्स दिखाने लगी। हाँ, काफी अच्छी प्रोग्रेस है मेरा। मैं हंसने लगा। तभी एक बड़ी सी बिल्ली स्क्रीन के सामने आ गई। यह लुक है मेरी बिल्ली। मैंने उसे हाय किया। हाय लुकी। रेबिका हंसने लगी। कहा, यह बिल्ली बिल्कुल दानव है। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल शैतान लग रही है। उसने कहा, मैं उसके फेवरेट डे केयर पर उसका रिजर्वेशन कर रही हूँ, उसे मैं अपने साथ लेकर नहीं आ सकती। मैं हंसने लगा और गौरव की तरफ देखकर कहा, देखो मैंने कहा था ना कि यह असली है। तभी रेबिका बोली, 2 मिनट इंतजार करो, मेरी बहन कॉल कर रही है। और मैं चुपचाप बैठा रहा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वह गिर गई। अच्छा, मम्मी का ध्यान रखना और एक बार डॉक्टर से बात हो जाए फिर मुझे बात करना। वह मेरी ओर मुड़ी और कही, मेरी माँ गिर गई है। वह श्योर है उनका पैर टूट गया है। मुझे अपने बॉस को कॉल करना होगा और वह खुश नहीं होंगे। मुझे इस ट्रिप को अभी करना पड़ेगा। मैं अभी फोन रखती हूँ। उसने कहा, ठीक है डार्लिंग। मैंने कहा, पर तुम ड्राइव मत करना जब तुम अपसेट हो, और मुझे बता देना तुम कितनी जल्दी आ रही हो। उसने रख दिया और मैंने कहा, यह बहुत बुरा हुआ, उसकी मम्मी ठीक हो। अगर वह फ्लाई करके आएगी तो कुछ ही घंटों में पहुंच जाएगी। कहानी रेबिका के जुबानी। मैंने अपने बॉस को कॉल किया और सारी बातें बताई, जिससे वह काफी गुस्सा हो गए। मैंने कहा, देखिए यह फैमिली इमरजेंसी है, ब्रोकन ब्रो के अस्पताल में कॉल करके पूछ लीजिए, अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो। उसका नाम ओलिविया लारा है। पर बॉस ने कहा, रेबिका मैं तुम्हें सच में नहीं छोड़ सकता। मैं अपना सर हिलाते हुए कही, मैं जा रही हूँ, वह मेरी माँ है। और आपको पता है कि मैं पहले ही 2 हफ्ते की छुट्टी के लिए कह रखी थी। बॉस ने कहा, अगर तुम नहीं आई तो तुम्हें दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, आई एम सॉरी बॉस, आप ऐसा सोचते हैं, मैंने यह बातचीत रिकॉर्ड कर ली है, तो अगर आपने झूठ कहा तो आपको पता रहना चाहिए, मेरे पास सबूत है, मैं अपने काम को कभी नहीं त्यागा, मेरी फैमिली इमरजेंसी है और मैं बोर्ड में कॉन्टैक्ट करने वाली हूँ। इतना कहते हुए मैंने फ़ोन रख दिया और उसके बाद मैं अस्पताल के डायरेक्टर को कॉल किया और सारी बातें बताई। उसने कहा कि मैं फैमिली मेडिकल लीव ले लूँ, इसलिए मुझे पैसे भी मिलेंगे, पर मेरे बॉस ने जो कमेंट किया था उसके बाद मैं यहाँ काम नहीं करना चाहती। डायरेक्टर ने कहा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और मैं आपकी सारी जमा छुट्टी को आपको दूंगा, आप 1 घंटे में यहाँ पर चले आएं। मैं ऑनलाइन फ्लाइट बुक कर लिया। रात 11 बजे की फ्लाइट थी और मैं पैकिंग करने लगी। सूटकेस को पैक कर लिया था। बिल्ली को उठाकर मैं निकलने को तैयार थी। मैं डे केयर में पहले ही कॉल कर दिया था और उन्हें बता दिया था बिल्ली को पहले ही क्यों छोड़ रही हूँ। उसे ड्रॉप करके मैं सीधे 10 मिनट में ऑफिस पहुँच गई और सीधे डायरेक्टर के ऑफिस पहुँच गई। जब मैं घड़ी देखी तो 8 बजने वाले थे। वहाँ पहुंचकर मैं डायरेक्टर को मेल करके वह बातचीत सुनाई। डायरेक्टर ने कहा, मैं समझ सकता हूँ कि अगर आप यहाँ काम न करना चाहे तो, जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ। उन्होंने मेरा पे चेक दे दिया और एक एनवेलप दिया जहाँ पर रिकमेंडेशन लिखा हुआ था। मैं पेपर और चेक लेकर सेंट मेरी हॉस्पिटल से निकल पड़ी। लगभग 1 घंटा लगा था अस्पताल से अपना काम पूरा करने में। मुझे पता था अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। हालांकि एयरपोर्ट यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर था। वहाँ पहुँचकर मैंने अपना डिनर किया। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं टेक्सास जाने वाली थी। सुबह के 2 बजे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। सारा काम करते करते करीब 10 बज गए जब मैं अपने बोर्डिंग का इंतज़ार कर रही थी। फ़ोन लेकर मैं अपनी बहन एलिस को फ़ोन करके पूछा, क्या कोई अपडेट है? वो काफ़ी थकी हुई लग रही थी। अभी कुछ नहीं है, 2 जगह टूटे हैं, अब वो उसके हिप्स चेक कर रहे हैं, शायद सर्जरी करनी पड़ेगी। तुम कब आ रही हो? मैं सांस छोड़ते हुए कही, मैं एयरपोर्ट में बैठी हुई हूँ और 1 घंटे तक टेक ऑफ करने वाली हूँ। मैं काफ़ी सुबह तक वहाँ पर पहुँचूंगी, तो मुझे वहाँ पर कैब का भी इंतज़ाम करना होगा। मेरी बहन ने कहा, तुम्हारी काफ़ी अच्छा दिन जा रहा था, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें यूँ कॉल कर दिया। मैं मुस्कुरा कर कही, बहन कोई बात नहीं, बस बैठकर आराम करने की कोशिश करो जब तुम इंतज़ार कर रही हो। आई लव यू, और मम्मी से कहना मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं फ़ोन रख दिया। अपनी त्योरी चढ़ाकर मैंने सोचा कि मैं करण को फ़ोन करके बता देती हूँ कि मैं आ गई हूँ। उसने 2 रिंग में ही उठाया, पूछा, हे डार्लिंग तुम्हारी माँ कैसी है? मैं मुस्कुराई और कांपते हुए आवाज़ में कही, 2 जगह
टूट गई है और अभी भी टेस्ट चल रहा है। मैं अभी एयरपोर्ट में बैठी हूँ, 11 बजे मेरी फ्लाइट छूटने वाली है और सुबह के 2 बजे वहाँ उतरेगी। उसने कहा, कुछ और भी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, क्या तुम मुझे बताना चाहोगी? मैंने कहा, काम, पैकिंग और फिर यहाँ आने में मैं थक गई हूँ। उसने पूछा, तुम्हारे बॉस ने कैसे लिया? मुझे याद है पहले तुम कह रही थी तुम्हारे बॉस 2 हफ्ते की छुट्टी नहीं देना चाहते थे। मैं हंसी और कहा, नहीं, उन्होंने अच्छे से नहीं लिया, वह मुझे नहीं देना चाहते थे। बिना नौकरी से निकाले जबकि मेरी फैमिली इमरजेंसी है, पर वह सच में उन नर्स को परेशान करता है जो उनके साथ डेट नहीं करता। खैर, उन्होंने जो कुछ भी मुझे सुनाया मैं उन्हें उसे रिकॉर्ड कर लिया। मैं डायरेक्टर को कॉल करके सारी बातें बताई और वह रिकॉर्ड भी सुनाया। डायरेक्टर ने माफ़ी मांगी क्योंकि मैं पहले ही काम छोड़ना चाहती थी। मैंने कहा, मैं ऐसे सुपरवाइजर के अंडर में काम नहीं करना चाहती। उन्होंने मुझे अच्छे पैकेज दिया और कहा कि जो कुछ भी हुआ है मैं बाहर लिख नहीं कर सकती, और एक रिकमेंडेशन लेटर लिख कर भी दिया। उसने कहा, मुझे माफ़ करना, इतना सब कुछ हुआ, ऊपर से तुम्हारी माँ को भी चोट लगी, पर एक तरह से खुशी हुई कि तुम जल्दी से यहाँ पर आ रही हो। मैं मुस्कुराई, कही, करण, मैं भी सच में खुश हूँ। मैं सच में 2 हफ्ते इंतजार नहीं करना चाहती थी वहाँ पर आने के लिए। वह मुस्कुराता हुआ कहा, मैं भी नहीं चाहता था। मैं हंसते हुए पूछी, बच्चे कैसे हैं? उसने कहा कि बच्चे अभी सो गए हैं, सब ठीक है, और अनाया का नंबर भी ठीक है। तो लैंड करने के बाद तुम्हारी क्या योजना है? उसने पूछा, और मैं थोड़ी देर चुप हो गई। मुझे लगता है कि मैं एक कैब लूंगी और माँ के अस्पताल में जाऊंगी। कार रेंटल की जगह आधी रात को बंद रहता है। करण अपना गला साफ करके कहा, तुम्हें कार लेने की कोई जरूरत नहीं है डार्लिंग, मैं नहीं चाहता कि तुम जब अपसेट हो तब ड्राइव करो, एक मिनट होल्ड करो। मैं सुन सकती थी वो गौरव से कुछ बातें कर रहा था। क्या तुम बच्चों के साथ सो सकते हो जब मैं बाहर जाऊंगा? उसने गौरव से पूछा। गौरव ने जवाब दिया, हाँ, मुझे खुशी होगी, अपने केबिन में अकेले जाना से यह अच्छा है। और फिर करण फोर्ट पर वापस आया, कहा, सब कुछ सेट हो गया है डार्लिंग, तुम बस मुझे अपनी फ्लाइट का नंबर भेज दो और मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, तुम्हारी माँ के पास पहुँचा दूंगा। मैं आह भरी, मेरी आंखों से एक बूंद आंसू टपक पड़े। मैंने कहा, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है, और बच्चों का क्या? उसने कहा, बच्चे ठीक है रेबेका, गौरव को पता है बच्चे का कैसे ध्यान रखना है और वह उसके साथ रहने वाला है। फिर भी तुम्हें चिंता हो रही है तो तुम सिर्फ एयरपोर्ट से यहाँ पर आ जाना और सब देख लेना, फिर तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊँगा। मैंने कहा, ठीक है। तुम बहुत ही मीठे हो, मुझे नहीं पता था 24 घंटे पहले तुम्हें ईमेल करने के बाद ही मैं तुमसे मिलने वाली हूँ। उसने कहा, सब किस्मत है डार्लिंग, किस्मत ही हमें मिला रहा है। तब तक मेरे फ़ोन में बीप होने लगा। मैंने कहा, होल्ड करो, मेरी बहन कॉल कर रही है। फिर मैंने उसे वापस से कांटेक्ट करके पूछा, करण, तुम यहाँ हो? बोला, हाँ डार्लिंग, मैं हूँ। मैंने कहा, मेरी बहन को कौन कॉल में कर लिया है? फिर मैंने बताया, करण, मेरी बहन कह रही है कि उस अस्पताल में जहाँ अभी मेरी माँ एडमिट है वहाँ उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, उसे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना होगा। और फिर हम आपस में अस्पताल के बारे में डिस्कस करने लगे। करण ने एक अस्पताल बताया जो रेंस से बस 20 मिनट की दूरी पर था। रेबेका, यह वही अस्पताल है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। करण मुस्कुराया। एलिस ने पूछा, यह बोकेन ब्रो से वहाँ कितनी दूरी पर है? उसने कहा, 2.5 घंटे की दूरी पर। मैं बोली, हमें रहने के लिए जगह ढूंढनी होगी। तभी करण ने कहा, मेरा बहुत बड़ा घर है, तुम चाहो तो मेरे पास रह सकती हो, और अगर हमारे साथ रुकने में कंफर्टेबल नहीं हो तो मेरा गेस्ट हाउस भी है। एलिस तुम्हारी बच्ची का ध्यान रखने के लिए यहाँ पर कनिका होगी, और मेरी बेटी तुम्हारी बेटी के साथ खेलना भी बहुत पसंद करेगी। मेरी बहन ने हाँ कर दी। मैं चुपचाप थी। करण घबराता हुआ पूछा, सब ठीक तो है ना रेबेका? मैंने कहा, मैंने तुम्हें फ्लाइट का डिटेल्स भेज दिया और उसने साथ के साथ मुझे अपना घर का एड्रेस भेज दिया। मैंने कहा, तुमने जान बचा ली। तभी फ्लाइट की अनाउंसमेंट होने लगी और मैं फोन रख दिया। कहानी करण की जुबानी। मैं 1:30 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच गया और वहां बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगा। बीच में मैंने गौरव को कॉल किया तो उसने बताया कि एलिस वहां पहुंच चुकी है और वह उसके साथ बातें कर रहा है। बच्चे ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं एलिस का ध्यान रखता हूँ। ठीक है, उसे कुछ घंटे आराम करने के लिए मना लो, मैं उससे कहा। गौरव हंसने लगा, कहा, एलिस बड़ी अजीब लड़की है। उधर से मैंने सुना एलिस की आवाज़ आई, करण, तुम इसे मुझे बिस्तर पर सुलाने के लिए मत कहो, जब मैं तैयार होंगी तब मैं सोऊंगी। वह दोनों हंसने लगे। फिर एलेक्स कही, तुम फिक्र मत करो, बस मेरी बहन को सही सलामत लेकर आ जाओ। मैं बैठा बैठा कॉफ़ी पीने लगा। ऐसा लग रहा था कि समय बहुत धीमी गति से पार हो रहा है। कुछ देर बाद फ़ोन में मैसेज आया, रेबेका, मैं लैंड कर चुकी
चुकी हूँ। मैं जानता हूँ डार्लिंग, मैं बोर्ड देख रहा हूँ। रेबिका, क्या तुम पहुँच गए? मैं, हाँ जरूर, मैं 30 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ। रेबिका, तुम कहाँ हो? मैं, बस सीधी चलती जाओ, मैं वहीं पर खड़ा हूँ। कहानी रेबिका की जुबानी। गहरी सांस लेकर मैं अपने लैपटॉप का बैग उठा ली। प्लेन से उतरकर मैं नीचे टर्मिनल पर आ गई। मैं नर्वस थी, एक्साइटेड थी, साथ में डरी हुई थी। मैं इस कमाल के शख्स से मिलने वाली थी, भले ही स्थिति अभी ठीक न हो। मुझे नहीं पता क्या सोचना चाहिए। वो मदद के लिए कूद पड़ा और मेरे लिए सब कुछ इतना आसान बना दिया। मेरी बहन तो पहले ही उसके घर पर पहुंच चुकी है। मैंने अपने बहन को मैसेज करने गई, देखा उसका मैसेज था मैं पहुंच गई हूं। और यह भी पता चला कि मेरी बहन की बेटी बेला के लिए एक क्रिप भी वह लोग अरेंज कर दिए, और उसका फोरमैन भी उसकी तरह हॉट है। मैं अपने बहन का मैसेज पढ़ के हंसने लगी। मैंने अपनी बहन को बता दिया कि मैं पहुंच गई हूं और करण मेरा इंतजार कर रहा है। मेरी बहन का तुरंत मैसेज आया कि करण बहुत अच्छा इंसान है, कि मैं बहुत लकी हूं, वह और गौरव उसी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं मैसेज करके बताई मुझे पहले से ही पता है। मैं थोड़ी देर बाथरूम में रुकी, अपने आप को साफ किया और ब्रश कर लिया, तैयार होकर गहरी सांस ली और वहां से बाहर निकली। कहानी करण की जुबानी। मेरी सांसें बिल्कुल अटक गई जब मैं पहली बार उसे देखा। उसकी तस्वीर से वह काफी ज्यादा खूबसूरत थी। वह काफी घबराई हुई और थकी हुई लग रही थी। मैं एक बड़ी सी मुस्कान लेकर एग्जिट गेट के सामने आकर खड़ा हो गया। जब वह मुझे देखी उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। मुझसे कहा, हे करण। मैं उस तक पहुंचकर खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। वह सांस छोड़ी और मेरे बाहों में रिलैक्स करने लगी। हे डार्लिंग, मैंने कहा। वह मुझे देखने लगी। मैं उसे फिलहाल बुरी तरीके से किस करना चाहता था, पर मैंने उसे छोड़ा और उसे एक कप कॉफी पकड़ाई। वह हंसकर कही, तुमने जान बचा ली। मैं प्लेन में सोने की कोशिश की थी, पर मैं बहुत ज्यादा नर्वस और एक्साइटेड थी। और सबसे बड़ी बात जो है, एक लेडी मेरे बगल में बैठी थी, वह मुंह बंद नहीं कर रही थी। कॉफी की सिप लेते हुए कही, मैंने कहा, डार्लिंग चलो अब तुम्हारा बैग लेकर अपने घर चलते हैं, एलिस इंतजार कर रही है। मैं उसका हाथ पकड़ नहीं जा रहा था, पर साइड में घूमकर उसका रिएक्शन देखा। वह मुस्कुराई और अपना हाथ बढ़ाकर मेरे हाथों को पकड़ लिया। हमने उंगलियां फंसा ली। इंतजार करते वक्त मैं उसे चाहत भरी दृष्टि से देखने लगा। उसने मेरी आंखों की चाहत को समझ लिया और अपने पैरों को थोड़ा ऊंचा कर वह मेरे गालों को चूमी। उसने जैसे ही ऐसा किया, मैंने अपने बाजुओं से उसके कमर को पकड़ लिया, उसे अपने करीब खींच लिया और अब मैं उसकी आंखों में देखने लगा। उसने देखा कि मैं दोनों के बीच की दूरियां को मिटाना चाहता हूं। वह मेरे और करीब आ गई और मुझे चूम लिया। हमने कुछ देर एक दूसरे को चूमा और उसके बाद मैंने उसे और करीब खींचा और किस को और गहरी कर दी। जब आखिर हम दोनों अलग हटे, मैं झुककर फुसफुसाया, मुझे नहीं पता यह इतनी जल्दी है या नहीं। वह हंसने लगी, कही, नहीं, यह बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है। और अब मैं जितना भी ज्यादा चाहूं मैं यहां खड़ी रहूं, पर हमें एक लंबी ड्राइव पर जाना है। मैं हंसने लगा, एक हाथ से उसका सामान पकड़ा, दूसरे हाथ से उसे थाम लिया और अपने ट्रक की ओर जाने लगा। वह हंसने लगी जब मैं उसके लिए दरवाजा खोला और उसे दरवाजे के अंदर बैठाया, इससे पहले कि उसका सामान लोड करता। एक बार हम रोड पर थे, एक दूसरे को जानने के लिए हम बातें करने लगे। उसे देखकर लग रहा था कि बात करने का टॉपिक कभी भी खत्म नहीं होगी, इतने आराम से बात कर रही थी। करीब सुबह के 4:30 बजे मैं अपने घर के सामने के ड्राइववे पर था। वह मुस्कुरा कर कही, वाओ, ये तो बहुत अच्छा है करण। मैंने कहा, सुबह होने का इंतजार करो, हालांकि मुझे खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया। मैंने दरवाजा खोला और उसे घर के अंदर ले आया। जब मैं एक और औरत को देखा जो कि उससे थोड़ी छोटी थी, रेबिका तुरंत उसके पास गई और उसके गले मिलने लगी। रेबिका ने कहा, मेरी बहन से मिलो, यह एलिस है और एलिस यह करण है। लेकिन फिर अचानक उसकी नजर एक कप कॉफी पर पड़ गई। तुम्हें कॉफी पीने किसने दे दिया? रेबिका ने एलिस से कहा। मैंने कहा, शायद गौरव ने दिया होगा। क्यों, इसे कॉफी नहीं पीना चाहिए क्या? उसने कहा, यह हाइपर लड़की मेरी बहन है। एक कप कॉफी पीने से ऐसे ही हो जाती है, इसलिए हम उससे दूर रखते हैं। यह सुनकर मैं हंसने लगा। कहा, यह तो लंबे समय से कॉफी पी रही है। जाकर देखा तो एलिस गौरव के साथ फ्लर्ट कर रही थी। कम ऑन हैंडसम, मैं एक और कप कॉफी क्यों नहीं पी सकती? नहीं, और कॉफी नहीं, रेबिका ने कहा। कहानी रेबिका की जुबानी। करण ने मुझे अपने करीब खींच लिया। कहा, डार्लिंग, तुम यहाँ पर आराम करना चाहिए। अगर तुम यहाँ आराम करना चाहो तो मैं तुम्हें कमरा दिखा देता हूँ। कल चाहो तो गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर जाना।
कहकर वह एक कमरे में चला गया। मैं जाने ही लगी थी कि तभी गौरव ने मुझे देखा और गला साफ करने लगा। मैंने कहा, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? उसने कहा, उसे चोट मत पहुंचाना, उसे पहले ही बहुत दर्द पहुंच चुका है। मैंने कहा, वह किस्मत वाला है जो तुम जैसा अच्छा दोस्त मिला है जो उसकी फिक्र करता है। गौरव ने कहा, वह मेरे भाई जैसा है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने कहा, वह भी तुम्हारे लिए ऐसा ही सोचता है और घबराओ मत, मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगी। उसने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं इतने अच्छे इंसान से आज तक नहीं मिली हूँ। मुझे एक गेस्ट रूम में लेकर आया। मैंने कहा, यह तो बहुत अच्छा है। करण हंसने लगा, कहा, खुशी हुई तुम्हें पसंद आया। अब तुम आराम करो, मैं नीचे जाता हूँ। मैंने कहा, तुम भी आराम करो। उसने कहा, अब आराम नहीं कर सकता जब तुम मेरे इतने पास हो। समझ नहीं आ रहा तुम्हारे बिना पल कैसे बीतेंगे। मैं हंसने लगी तो उसने मुझे अपने बाहों में खींच लिया और मुझे प्यार से चूमने लगा। मैं उसके बाहों में समा जाना चाहती थी, उसके प्यार में डूब जाना चाहती थी। कहा, थोड़ी देर यहीं रुक जाओ। वह मेरे साथ ही रुक गया। जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे जन्मों से जानती हूँ। और फिर मैं अपनी आंखें बंद कर ली। दोस्तों, ये कहानी का दूसरा भाग है। रिबेका और करण ईमेल चैट के जरिए एक दूसरे के करीब आने लगे थे। क्या उनके दिल मिल पाएंगे? क्या ये एक परिवार बन पाएंगे? जानने के लिए कहानी में मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।